नागराज, तुम मरोगे तभी तुम्हारा खजाना मेरे हाथ आएगा। एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। वो काफी मेहनत करता था, पर वो जिस जमीन पर मेहनत करता था वो जमीन काफी पथरीली थी, जिसके कारण उस जमीन पर कोई भी फसल ठीक से नहीं हो पाती थी। हरिया इस बात से काफी दुखी था। इस बार तो उसकी पथरीली जमीन पर इतनी फसल भी नहीं हुई थी कि वो ढंग से उसे खा सके और अपना गुजारा कर सके। तभी हरिया, हे भगवान, तूने मेरी किस्मत में ये कैसे पत्थर लिखे हैं? मेरे पास खाने तक अनाज नहीं, तूने जमीन दी तो मैंने मेहनत की, पर मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, पर इस जमीन में अब की बार तो अनाज का एक दाना भी नहीं हुआ। हे भगवान, कैसे काम चलेगा, क्या खाऊंगा? अब की बार तो भूखे मरने के लाले पड़ गए हैं भगवान। ऐसे कहते हुए हरिया काफी दुखी था। तभी हरिया की नजर अपने खेत के पास एक पेड़ के नीचे बने बिल पर गई। वो किसी सांप का बिल था। मेरे खेत में सांप का बिल, जरूर नाग देवता इसमें रहते होंगे। हे नाग देवता, ऐसी बंजर जमीन में जो मुझे खाने को नहीं दे सकती, आपको खाने का क्या मिलेगा? पर नाग देवता, मैं भूखा मर सकता हूँ, पर तुम्हें भूखा नहीं मरने दूंगा। मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास थोड़ा दूध है, ये लो, तुम्हारे बिल के पास इसे रख देता हूँ, कम से कम तुम तो इसे पीकर जिंदा रह पाओगे। ऐसा कहते हुए हरिया अपने दूध को नाग देवता के बिल के पास में रख देता है और वहां से चला जाता है। जब हरिया वापस खेत में आता है तो देखता है कि उसने जो कटोरा दूध का रखा था उसमें अब दूध नहीं है। वो जब कटोरे के पास जाता है तो देखता है कि कटोरे के अंदर एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ था, जिसे देखकर हरिया खुश हो जाता है। सोने का सिक्का, नाग देवता ने मुझे सोने का सिक्का दे दिया। हे नाग देवता, तुम्हारा कल्याण हो, मैं अब तुम्हें रोज दूध पिलाया करूंगा। इस सोने के सिक्के से मेरा घर चल जाएगा, मेरा गुजारा हो जाएगा। ऐसा कहते हुए हरिया वहां से चला जाता है। अब हरिया रोज नाग देवता के बिल के बाहर एक कटोरे में दूध रख देता और नाग देवता रोज उसे एक सोने का सिक्का दे देते। ऐसे हरिया का गुजारा खूब अच्छे से चल रहा था। पर एक दिन की बात है कि हरिया को किसी काम से शहर में जाना पड़ गया। तो हरिया ने सोचा, मुझे तो शहर जाना है, अब इस जिम्मेदारी को भला कौन निभाएगा? मैं ऐसा करता हूँ, अपनी बेटी सुमन को बोल देता हूँ, वही नाग देवता का ख्याल रखेगी। अरे सुमन, ओ सुमन, सुनती है क्या? हाँ पिताजी, बोलिए। बेटा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनना। हाँ पिताजी, बिल्कुल ध्यान से सुन रही हूँ, बोलिए। बेटा, अपने खेत के पास एक सांप का बिल है, तुम्हारा ये काम है कि तुम्हें रोज बिना भूले वहाँ पर एक कटोरे में दूध रखना है। जी पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। बेटा, मैं फिर से कहता हूँ, भूलना मत। नहीं पिताजी, मैं नहीं भूलूंगी। ऐसा कहते हुए हरिया अपनी बेटी को नागराज की जिम्मेदारी देते हुए वहां से चला जाता है। अब हरिया की बेटी सुमन एक कटोरे में दूध लेकर आती है और नाग देवता के बिल के पास रख देती है। अब सुमन जब अगले दिन नाग देवता के बिल के पास दोबारा दूध रखने आती है तो देखती है कि पुराने कटोरे में सोने का सिक्का रखा हुआ है। तभी सुमन, तो पिताजी इस सोने के सिक्के के लिए ऐसा करते हैं। अब समझ में आई बात, चलो आज फिर दूध रख के देखती हूँ, क्या नागराज रोज सोने का सिक्का देते हैं क्या। और सुमन उस दिन फिर से दूध रख के चली जाती है।
तो अगले दिन जैसे ही सुमन वापस आती है तो उसे फिर से सोने का सिक्का रखा मिलता है। अच्छा, तो नागराज के पास खूब सारा खजाना है और वो रोज दूध के नाम का एक सिक्का पिताजी को दे देते हैं। पर पिताजी भी बिल्कुल मूर्ख हैं। क्यों ना इस नागराज को मारकर इसके पूरे खजाने पर ही कब्जा कर लिया जाए। उसके बाद हमें रोज रोज ना तो दूध रखना पड़ेगा और ना रोज रोज एक सिक्का मांगना पड़ेगा। मैं आज ऐसा ही करती हूँ। अगले दिन सुमन फिर से दूध लेकर आती है। अब की बार सुमन कटोरे में दूध रखकर वहीं पेड़ के पीछे छिप जाती है। जैसे ही नागराज दूध पीने के लिए आते हैं, तो सुमन डंडे से नागराज पर हमला बोल देती है। ये लो नागराज, तुम मरोगे तभी तुम्हारा खजाना मेरे हाथ आएगा। सुमन जैसे ही नागराज पर डंडे से वार करती है, तभी नागराज सुमन को काट लेते हैं। पागल लड़के, तू मुझे मारेगी। लालची, खजाने के लिए तूने नागराज पर हमला किया, ले अब भुगत। ऐसे कहते हुए नागराज उस लड़की को डंक मार देते हैं और सुमन वहीं पर मर जाती है। इधर से हरिया जब शहर से वापस आता है तो खेत में जाता है और देखता है कि सुमन बिल के पास मरी पड़ी है। हे नाग देवता, तुमने ये क्या कर दिया। मेरी एकलौती बेटी थी, इसी के लिए तो मैं कमाता था, तुमने इसी को खा लिया। नाग देवता, तुमने ये क्या कर दिया। मुझे कोई सिक्के नहीं चाहिए नाग देवता, मेरी बेटी वापस दे दो। तभी नाग देवता वहां पर प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, हरिया, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारे जैसी नहीं है। वो लालची थी और उसने मुझे मारने की कोशिश की, इसीलिए मैंने उसे डस लिया। पर तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मेरा बहुत साथ दिया है, इसीलिए मैं अपनी शक्ति से लो तुम्हारी बेटी को जिंदा कर देता हूँ। पर आज के बाद मैं तुम्हारे इस खेत में नहीं रहूंगा, मैं ये बिल छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए नाग देवता ने हरिया की बेटी को तभी जिंदा कर दिया और उस खेत को छोड़कर वहां से चले गए। तो बच्चों, इससे हमें सीख मिलती है कि हमेशा अपने बड़ों का कहा मानना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए।